अगर आप भी पेटीएम या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेते हैं तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने अपने किसी कर्मचारी को एडमिन के अधिकार दे रखे हैं तब तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए और भविष्य के लिए सावधान भी हो जाना चाहिए। ये एक साइबर क्राइम का अपराध पंजीकृत हुआ था। श्री राम नरेश अवस्थी जी हैं जो बर्रा के निवासी हैं, इन्होंने 27 जनवरी को तहरीर दी कि इनका पेट्रोल पंप है जो नीलम एचपी पेट्रोल पंप गंगा बैराज के रोड पर है मंदना में, उसमें उस पेट्रोल पंप में करीब 27 लाख रुपए का 22 लाख 70,000 रुपए का करीब जो है उनके अकाउंट से फ्रॉड हुआ है। और ऑनलाइन जो है जो उनके पेमेंट होते थे पेटीएम के थ्रू, उसके थ्रू ये फ्रॉड हुआ है। जब उनकी तहरीर पे मुकदमा अपराध संख्या 4/24 अंतर्गत धारा 409 420 थाना साइबर क्राइम जो है कानपुर का, इसमें पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में दो संदिग्ध अभियुक्तों को हरिओम पाल और अनुपाल, जो कि उन्हीं के पेट्रोल पंप में जो है काम कर रहे थे, उनको पूछताछ के लिए उठाया गया। तो घटना का खुलासा हुआ कि इनके द्वारा पेटीएम के जो पेट्रोल पंप में पेटीएम अकाउंट लगा हुआ था उसके क्यूआर कोड को स्कैन करा जाता था और जो भी अमाउंट खातों में आते थे विक्टिम के, उसको उन्होंने एक एडमिन राइट होता है उसके थ्रू यूज़ करके अपने अपने खुद के मोबाइल नंबर को जो अकाउंटेंट का वो होता है, एक ऑप्शन होता है कि अकाउंटेंट के रूप में वो ये कार्य कर सकते हैं कि जो पैसा आया है अगर गलती से वो पैसा खाते में आया है तो उसको वापस कर सकें, उसका राइट का प्रयोग करते हुए इन्होंने कुल 8 महीने के पीरियड में मई से अब तक 22,70,000 रुपये के लगभग का फ्रॉड करा था, जिसमें वर्तमान में कितना अमाउंट करीब 10 लाख रुपए करीब इनके अकाउंट में फ्रीज था जो पाया गया है, उसे फ्रीज करा लिया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन आप भविष्य के लिए सावधान हो जाइए और अपना एडमिन का अधिकार किसी को भी मत दीजिए। हमेशा जब भी कोई डिजिटल पेमेंट आप लेते हैं तो उस जो भी ऐप है उस पूरे प्लेटफॉर्म का एडमिन का राइट हमेशा सिर्फ अपने पास रखिए और तभी आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।